देख रहे हो कितनी नीच लड़की है, लेकिन है हमारे काम की। ए मकड़ी, देख रहे हो कितनी टक्कर की बहू मिलने वाली है हमको। ये भी हमारे तरह कमाल दिखाने में विश्वास रखती है। हमने दवाई मिलाई तो इसने भी मिला दी। लेकिन जीजी, इसने तो सिर्फ सुजीव के खाने में दवाई मिलाई है, हमने तो सारे खाने में दवा मिला दी थी। लेकिन ये छिपकली पे तो कोई असर ही होता नहीं दिख रहा जीजी। देखते हैं ना कब तक होश में रह पाएगी। बना रही हो भाभी? टमाटर की चटनी बना रहे, 2 मिनट में हो जाती है। वैसे तो हाथ के पीसे हुए मसाले और चटनियों में स्वाद जो है वो मिक्सर में नहीं है, लेकिन कहा है कि सुविधा हो जाती है, समय कितना बच जाता है। सब इतने नसीब वाले नहीं होते माँ, भगवान जी ने सच्ची में तुमको बहुत अच्छा नसीब दिया। तू कहा है तेरा नसीब रो रही है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, है? तुम्हारी एक बहू है, एक पोते की बहू है, 2 पोतियां हैं, सब लगी रहती हैं घर के कामों में। ऊपर से तुमने उनको सुविधा के लिए कितनी चीजें दे रखी हैं अम्मा, चटनी पीसने के लिए मिक्सी, खाना गर्म करने के लिए ओवन। हमें देखो, हम तो अकेले ही अपने घर में कसरत करते रहते हैं, देख लो का हाल हो रहा है। देखो हाथ सूख के साबुन की पट्टी हो गए हैं। अच्छे खासे मुलायम से तो लग रहे हैं। अरे नहीं अम्मा, नहीं लग रहे, हम बता रहे हैं ना, हमारे हाथों की हालत बुरी हो गई है। दूर से देख रही हो ना, देखो बहुत गंदे हो गए हैं। हमारे हाथों में तो बस मेहनत की मेहंदी लगी हुई है, बस हम उसी में अपने घर की रसोई में खटते रहते हैं, घिसते रहते हैं। कहाँ जा रही हो अम्मा? आपने कहा कर दिया? बेइज्जती महसूस कर रहे। कहा हुआ अम्मा जी, कछु कह दिया किसी ने आपसे? कोई हमसे कहा कहेगा, हम खुद ही ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहा है कि आज कितना अच्छा त्योहार का दिन है और बिटिया को कछु दे भी नहीं पाते, हाथ इतना तंग है। अरे चम्मच दे दे। चम्मच अम्मा जी? अच्छा नहीं लगेगा तो कौसा कटोरा दे दे। हे भगवान अम्मा जी, कहा कर रही हो, कटोरी कहा है मतलब? तो फिर कहा दे दी, ऐसा बाउल दे दे, ऐसे रख। नहीं, हम नहीं जच रहे आप मुझे। तो क्या करें, चल छोड़, चलते हैं। नहीं, गलती हमारी है कि हमको सोचना चाहिए था, हम जीजी को कछु देना है, आज अवसर है तो हम रह गया, हमारे दिमाग में बात नहीं आई। अच्छा जाने दे, हम कछु और सोचेंगे। हम कहा कह रहे हैं, टमाटर की चटनी पीस रही है। हाँ वो भजिए तलेंगे। पर तुझे कहा लगता है कुसिया कि ये मसाले चटनी जब मशीन में पीसते हैं तो हमें तो लगता है स्वाद नहीं होता, जो हाथ से पीसी हुई चटनी का होता है ना। ये बात तो है, जो हाथ से पीसी हुई जो मसाले चटनी है ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग है। लेकिन ये टमाटर की चटनी होती है ना अम्मा जी, ये मिक्सी से ना सुविधा बहुत हो जाती है। जीजी साहब भी यही कह रहे थे, समय इतना बच जाता है, क्या बताए। ये तो गुस्सा, मिक्सी दे देते। मिक्सी? अच्छा ठीक है,
तुम्हारे दुश्मन है तो उसको मिक्सी को गले से लगा के रख दे। नहीं नहीं वो बात ना है अम्मा जी, कहा है ना शिवम की पहले कमाई से आपकी लाई थी मिक्सी को, आपकी लाई हुई चीजों का तो बड़ा मुंह है भाई हमें। हमारे लाने मुंह है पर हमारी सगी बेटी सरला के लाने मुंह नहीं का। अब अभी अभी देते हैं ये मिक्सी है। तेरे दिमाग के घोड़े लंगड़ गए का है? सबके सामने पुरानी मिक्सी देंगे तो लोग का कहेंगे सरला तो अपनी है तो कछु नहीं कहेगी, और जगह सही होगी ना है? कि पुरानी मिक्सी भुजा ने सरका दी ननंद को तो फिर क्या करें हम? तो एक काम कर हाँ। चपका दे नया जैसा बना दे और बक्से में डाल दे। अच्छा चलो ना यार, कब तक यहाँ रुकोगी है? अरे चुप ना, हम अपनी करवा चौथ की गिफ्ट की मिक्सी का इंतजाम कर रहे हैं। सरला। हाँ माँ। लो भाई लो। कहाँ है? करवा चौथ का गिफ्ट। अरे मिक्सी? अरे भारी है, उठा ले। हाँ वाह माँ, तुम्हें कैसे पता चला? हम पकड़ लेते हैं। हाँ कितनी अच्छी हो तुम अम्मा, कितना ध्यान रखती हो तुम हमारा। देखो कैसा चटाक चेहरा हो गया, बस ऐसा ही रखना जब तक हम है, कोनो तकलीफ ना ही दे आने देंगे तुम पे। चले? आ हाँ चल ना उठो। चल अच्छा चल, अम्मा ना, ना, चलते हैं। हाँ खुश रहो खुश रहो। ये संभाल गए नहीं फिर चकरा मत जाना। निम्मी जरा स्टोर रूम से सिलपट्टा निकाल ले बेटा। हाय कैसे चंपू लग रहे हैं हम दोनों सच में। ऐसे भी वो जमाने में कहाँ कुछ मिलता था, कुछ समझ थोड़ी थी हमको। डरा काहे दिया है इस तरह, हमको ना डराया करो। हम टूट जाती तो हमारी शादी की फोटो टूटी नहीं ना। वैसे इस शादी की फ्रेम को देख के क्यों हंस रही थी हु? हम हंसे रोए कछु भी करे तुमको कहा लाओ फोटो वापस दो। हमारी शादी की फोटो दो हमको। एक मिनट दो ना। कहाँ है? मुझे देखनी अच्छे से। हाँ आपको दादी नीचे बुला रही। जाओ देख ली फोटो। को डराना मत हमको। ठीक है तो मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है और वो भी 9 तारीख को। यस क्या कर रही हो?
और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? नाइंथ को मॉम डैड की सिल्वर जुबली है। 25th एनिवर्सरी। कुछ तो स्पेशल सोचना पड़ेगा। हाँ भैया, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या हाँ? दे आप भी अपनी सैलरी शशिकला को देती हो और भैया भी अपनी सैलरी शशिकला को देते हैं। बिना पैसे के ये सब कैसे स्पेशल प्लान बन सकता है? कैसे होगा? हाँ भैया। यार तुम दोनों इतना नेगेटिव क्यों सोचते रहते हो हमेशा? हाँ? वैसे मैं क्या बोल रहा था? हाँ मैं ये बोल रहा था कि क्यों ना मम्मी और पापा को शिमला भेज दे। गुड आइडिया। वैसे भी मम्मी शिमला जाने की बार बार बात करती रहती है। हाँ। चांस भी नहीं मिला उन्हें बिचारे को। तू फिक्र मत कर, मैं मम्मी पापा के लिए कल ही जाकर ना शिमला का पैकेज बुक करवा देता हूँ। मेरा दोस्त ना शोभित, उसका भाई है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, उसको बोल दूंगा पैकेज बना देगा वो। गुड आइडिया। पर फिर से नेगेटिव बोल रही, सॉरी, पर बुक करने के लिए तो सेविंग भी सारी खत्म हो गई, वो शशिकला ने ले ली। देखो कैसे तैसे करके पैसे तो हम तीनों को इकट्ठे करने पड़ेंगे, अब कैसे करने वो सोचना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक प्लान है, पर मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा। जल्दी बता क्या प्लान। अरे मैं बता दूंगी ना, रिलैक्स। भैया इसको समझा लो। देखो मुझे मालूम था तू बीच में भूलेगी, फिक्र मत कर, मैं भी अपने ऑफिस में जाके बॉस को बोल दूंगा कि थोड़ा सा एडवांस दे दे मुझे। भैया मैं भी पता करूं क्या? भैया पर अगर शशिकला को पता चल गया तो जवाब क्या दोगे? हाँ कुछ नहीं, जवाब मैं थोड़ा सा हंस दूंगा। मैं आप शशिकला के सामने हंस दोगे? आप रियली ऐसे? अरे राघव बाबू, अरे ये क्या, जब भी देखो काम में उलझे रहते हैं। अनिक अपने बदन को आराम भी दीजिए, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसा खाइए। अरे क्या बात है, हम अभी बस सोच ही रहे थे कि चाय नाश्ता मंगवाएं, आइए फिर पहले खा ही लिया जाए। वो क्या बात है, रातों रात कैंटीन के समोसे का स्वाद कैसे बदल गया एकदम। ये अशोक जी की कैंटीन के नहीं है, ये तो हम बाहर से ले आए। अशोक जी की कैंटीन तो बंद हो गई ना। तो का वक्त ही का हुआ है, इतनी जल्दी कैसे बंद हो जाएगी? हाँ अरे गार्ड बाबू, बंद यानी कि सील बंद हो गई, डिपार्टमेंट ने सील लगवा दिया है। काहे? अरे वो सुना है कि कैंटीन में कुछ उल्टे सीधे धंधे, जैसे कि कैरम जुआ ये सब चल रहा था, डिपार्टमेंट को पता चल गया तो उन्होंने सील लगवा दिया। खबर पक्की है आपकी? हाँ हाँ, हमारी बात हुई ना उनसे, वो डिपार्टमेंट के है ना, क्या नाम, आलोक, आलोक चटर्जी से बात हुई है हमारी। बबूरिया तो हमारे हाथ से निकल रही है, ऐसे में हमारा सास धर्म कहता है कि ढीली लगाम को खींच लो। भैया बिटिया अच्छी बात है, हम ये सब कपड़े है ना सबके कमरे में रख देना, नहीं तो पूरे दिन देखना भड़कते फिरेंगे। जी दादी। ऊपर जा, थोड़ी साड़ियां टंगी थी सूखी नहीं थी, ले साथ साथ में रख दो। करे मदद तो फटाफट हो जाएगा। नहीं नहीं दादी जी, बस हो गया। किसके कौन से कपड़े पता चल जाएगा? हाँ जी दादी जी। हाँ वैसे तू तो बड़ी होशियार है। अला कपड़े हमें दे, बाद में रख देना जब ऊपर जाए। मैडम क्या कह रहे, मिर्च की भाजी साफ कर देना, आज बड़ा दिल कर रहा है खाने के लिए। पकौड़े खाएंगे पर है ना, और एक काम करना, पत्ते पत्ते अलग करना, डंडी आती है ना कड़वा लगता है। जी दादी।
अब पत्ते जाने मत देना डंडी के साथ, बड़ी महंगी है। जी दादी। सिखाया क्या आता है? आता है, मम्मी जी ने अच्छे से सिखा दिया था। जी अब बोलियो, कल रात के बर्तन रह गए हैं, बड़ा वास मार रहा है, जरा धो के जमा देना रसोई में। ये जा।